नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। आप खबरें विस्तार से। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ अपने विरोध को तेज करते हुए कांग्रेस ने केरल में राजभवन तक महारैली निकाली, जिसमें पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शहीद स्तंभ से शुरू हुई रैली का नेतृत्व चिदम्बरम के अलावा केपीसीसी अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथिल्ला ने किया। सांसदों और विधायकों सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। रैली को यहां केरल के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के संविधान बचाओ भारत बचाओ अभियान के तहत आयोजित किया गया। CAA के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि देश में कहीं भी नजरबंदी शिविर नहीं होने का उनका दावा गलत है और इन शिविरों को लेकर जारी वीडियो मोदी के झूठ की पोल खोलता है। गांधी ने कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित झंडारोहण समारोह के दौरान कहा कि वह झूठे हैं या मोदी झूठ बोल रहे हैं। इसका साक्ष्य हाल में जारी एक वीडियो है। गांधी ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें असम में निर्माणाधीन एक नजरबंदी शिविर को दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गांधी को इस साल का सबसे बड़ा झूठा आदमी बताया है, जिसका करारा जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान में कहीं कोई नजरबंदी शिविर नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी उन्होंने मोदी पर निशाना साधा और इसे नोटबंदी से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे गरीबों को बहुत नुकसान होगा। मोदी सरकार के इस फैसले का लाभ सिर्फ मोदी के 15 नजदीकी कारोबारी मित्रों को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु शुक्रवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। रूस द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को 193 सदस्यीय महासभा ने पारित किया। प्रस्ताव के पक्ष में 79 और विपक्ष में 60 मत पड़े, जबकि 33 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जिसमें विश्व के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। MC मैरीकॉम से ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए हुए 51 किलोग्राम बर्राइल में 1-9 से हारने वाली तेलंगाना की मुक्केबाज निखत जरीन के पिता जमील अहमद ने इस मुकाबले में उनकी बेटी के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। जमील ने मुकाबला समाप्त होते ही अपनी जगह खड़े होकर अपना विरोध जताया और मैरी पर बरस पड़े। जमील ने बाद में कहा कि इस मुकाबले में उनकी बेटी जीती थी, लेकिन उसके साथ भेदभाव कर मैरी को विजेता बनाया गया। वहीं भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह ने MC मैरीकॉम और निखत जरीन के बीच हुए ट्रायल को लेकर उठे विवाद पर कहा कि इसमें भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है और ट्रायल पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी थे। अजय सिंह ने यहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल के बाद कहा कि बहुत दिनों से इस मुकाबले का सभी को इंतजार था, ट्रायल पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हुआ। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़। धन्यवाद।